हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको अंडर 10,000 के देखने को मिल जाएंगे और इसमें आपको काफी बिगर बैटरी, बिग डिस्प्ले और काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 5 ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि आपको अंडर 10,000 देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो इस लिस्ट में हमारा 5वें नंबर पर स्मार्टफोन आता है, वो है सैमसंग की ओर से। और अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको काफी बेटर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ एक बिगर बैटरी भी। सो गाइस, अगर हम बात करें इसके डिजाइन को लेकर तो यहाँ पर आपको बैक में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है और इसी के साथ इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड। गाइस, इसी के साथ बात करें इसकी डिस्प्ले को लेकर तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अच्छी बात ये रहने वाली है कि यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जिसके साथ आपको ये डिस्प्ले काफी बेटर एक्सपीरियंस दे पाएगी। सो गाइज, इसी के साथ बात करें इसके कैमरा सेटअप को लेकर तो यहाँ पर आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल का और इसी के साथ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। बात करें इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरा वाइज ये ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दे पाएगा, लेकिन गाइज अगर हम बात करें बैक कैमरा की तो यहाँ पर आपको काफी बेटर इमेज क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ बात करें इसकी परफॉर्मेंस को लेकर तो यहाँ पर आपको सैमसंग का एक्सिनोस का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर रन करता है। सो गाइज, यहाँ पर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी को लेकर तो इसमें आपको 6000 मिली एम्पायर की एक बिगर बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 15 वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। सो गाइज, अगर आप एक बिगर बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं और ये आपको 4GB एंड 64GB के वेरिएंट के साथ मिल जाएगा। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पर 9,999 रुपीज का देखने को मिल जाता है। सो गाइज, अब बात करें हम अपनी इस लिस्ट के 4th स्मार्टफोन को लेकर तो वो रहने वाला है रियलमी की ओर से और रियलमी नार्जो 30A जो कि एक बेटर स्मार्टफोन रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको एक गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। सो गाइज, इसमें आपको बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड है। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस को लेकर तो इसमें आपको 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली है। इसमें आपको कम रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, लेकिन गाइज यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस काफी बेटर रहने वाला है। बात करें इसके बैक कैमरा सेटअप को लेकर तो ड्यूल कैमरा सेटअप यहाँ पर देखने को मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल और इसी के साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी। सो गाइज, कैमरा वाइज इसकी परफॉर्मेंस एवरेज रहने वाली है। तो गाइज, बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर तो इसमें आपको काफी तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। अगर आप स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी बेटर रह सकता है। इसी के साथ 4GB 64GB इसमें आपको देखने को मिल जाता है और इसको आप एक्सपेंड कर पाएंगे माइक्रो SD कार्ड के थ्रू जो कि 256GB तक हो पाएगा। सो गाइज, बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी को लेकर तो इसमें आपको 6000 मिली एम्पायर की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी जो कि 18 वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। सो गाइज, अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर तो ये भी स्मार्टफोन आपको अंडर 10,000 देखने को मिल जाएगा, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। सो गाइज, अब बात करें हमारे इस लिस्ट के 3rd स्मार्टफोन की, वो होने वाला है एक इंडियन ब्रांड जो कि है माइक्रोमैक्स। और गाइज, ये स्मार्टफोन है माइक्रोमैक्स इन 1। इस स्मार्टफोन में भी आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और इसी के साथ एंड्रॉइड 10 के साथ ये आता है। तो गाइज, बात करें इसकी डिस्प्ले को लेकर तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि एक काफी बेटर डिस्प्ले रहने वाली है। इसमें आपको कोई भी रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन गाइज स्टिल यहाँ पर आपको काफी अच्छी डिस्प्ले एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके कैमरा सेटअप को लेकर तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल के साथ आता है। इसी के साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा को लेकर तो ये स्मार्टफोन आपको 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ आता है। और अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर तो गाइज यहाँ पर भी आपको एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा।
क्योंकि इसमें आपको MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो गाइस बात करें इसके रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट को लेकर, तो यहाँ पर 4GB एंड 64GB के साथ ये आता है, जिसमें आपको 256GB तक एक्सपेंडेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो गाइस बात करें हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जो कि इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है, वो एक Xiaomi का ब्रांड है, जिसमें आपको काफी बेटर परफॉर्मेंस के साथ एक स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। सो गाइस वो स्मार्टफोन है Redmi 9 Power, इसमें आपको काफी बेटर डिजाइन देखने को मिल जाता है, बैक साइड में स्प्लैश प्रूफ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहीं पर अगर हम बात करें इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। तो गाइस बात करें इसकी फुल स्पेसिफिकेशंस को लेकर, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.53 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। सो गाइस यहीं पर अगर हम बात करें इसके कैमरा सेटअप को लेकर, तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल का। इसी के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। तो गाइस बात करें इसके सेल्फी कैमरा को लेकर, तो इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बेटर परफॉर्मेंस के साथ आने वाला है। इसी के साथ 4GB 64GB के साथ आपको एक्सपेंडेबल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गाइज अगर हम बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी को लेकर, तो इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलने वाली है, जो कि 18 वॉट के फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ आती है। तो गाइज ये स्मार्टफोन एक बहुत ही बड़ा कॉम्बो रहने वाला है। अगर आपको एक बड़ी बैटरी, बिगर डिस्प्ले और इसी के साथ परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। तो गाइज अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो ये स्मार्टफोन आपको अंडर 10,000 तक देखने को मिल सकता है, आप लेटेस्ट प्राइस जाकर चेक कर सकते हैं। तो गाइज अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जो कि इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है, तो गाइज वो स्मार्टफोन भी होने वाला है Xiaomi की ओर। सो गाइज वो स्मार्टफोन है Poco M3। इस स्मार्टफोन में भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। तो गाइज अगर हम बात करें इसकी फुल स्पेसिफिकेशंस को लेकर, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.53 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाली है। तो गाइज डिस्प्ले वाइज यहाँ पर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और अगर हम इसी के साथ बात करें इसके कैमरा सेटअप को लेकर, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है बैक साइड में, जिसमें प्राइमरी सेंसर रहने वाला है 48 मेगापिक्सल का, इसी के साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो गाइस बात करें इसकी फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो 8 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरा वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, काफी अच्छी इमेज क्वालिटी यहाँ पर आपको दे पाएगा। तो गाइस बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी को लेकर, तो इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलने वाली है, जो कि 18 वॉट के फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ आती है। और गाइस इसकी हम अगर प्राइसिंग की बात करें, तो ये स्मार्टफोन आपको 10 से लेकर 11,000 तक देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बेटर लगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।